एक राइजन का बोर्ड आया हमारे पास, AMD है राइजन में। राइजन 5 3600 ना इसका कूलर खुला हुआ है। इसके ना इस जो ग्राफिक कार्ड की स्लॉट है ना, इसमें इशू आ रहा है, ग्राफिक कार्ड की स्लॉट में इशू आ रहा है। इसकी ये पिंस जो हैं, ये जो काफ़ी ज़्यादा ना डैमेज हो गई है, वो सेट करते हैं। अभी आपको पहले कैमरे में दिखाता हूँ उसको, ये देखेंगे, ये स्लॉट है इसकी, ये पिंस है इसकी, यहाँ से ये 1 2 3 ये साइड से भी देख रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 ये पिंस पीछे चली गई हैं, जिसकी वजह से ना ये ग्राफिक कार्ड की स्लॉट डिटेक्ट नहीं हो रही। थोड़ा इसको ऐसा सेट करना पड़ेगा कि इसकी पिंस बार बार ये ग्राफिक कार्ड लगाने उतारने की वजह से ना ख़राब हो गया। क्योंकि अंदर से डैमेज होने की वजह से ना उसके सेट करते हैं, फिर वो वापस आ जाती है। देख स्लॉट के अंदर से ओपन बाहर आ रही है, फिर बाहर चले गए। इसको किसी एक जगह पे फिक्स करनी पड़ेगी ताकि पतली वाली ट्यूजर दे और सुई दे पतली वाली। देख रहे हैं थोड़ा मुश्किल है ना ये काम, क्योंकि इस जगह पे ग्राफिक कार्ड लगना है, पिन दोबारा वापस अंदर ना चले जाना, इस वजह से ये थोड़ा सा इसकी सेटिंग करते हुए मुश्किल हो रही है। देख रहे हैं आपको, लेकिन ये है कि आस्ता आस्ता ये ना पिन इसके आगे आ जाएगी। पतली वाली सुई दे, बारीक सुई ले के ना फिक्स हो गया, बहुत पक्का जुड़ गया इसके साथ। इससे थोड़ा सा फर्क पड़ा ना, इसको बार बार इसी तरह ही करना पड़ेगा तो फिर ये होगा। इसको भी इसी तरह तो एक प्रॉपर हल यही है इसका, इसको या तो चेंज किया जाए या किसी तरह किसी तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दिया जाए पिंस को।